आज दोस्तों इस वीडियो में एक काला सच के बारे में पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों आज के यह वीडियो देखने के बाद आपको आश्चर्य हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा के रख दिया है। दोस्तों आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम पहुंचते हुए वीडियो, यह काफी वायरल हो रहा है। क्या दोस्तों पीएम मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे या नहीं पहुंचे? आखिर पहुंचे तो क्यों पहुंचे? क्या पीएम मोदी को बागेश्वर धाम में अर्जी लगा है या नहीं लगा है? क्या यह फेक न्यूज है या एडिट किया गया है? दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद बताए हैं इस वीडियो का पूरा सच। दोस्तों बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दिनों में खुशियों में है। सोशल मीडिया में उसके प्रवचन के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार का एक वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वायरल फोटो की सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। फोटो में दावा किया जाता है कि पीएम मोदी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंचे हैं और अपनी अर्जी लगाई है। फोटो में पीएम मोदी बागेश्वर धाम सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीएम मोदी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वायरल फोटो और वीडियो को लेकर बागेश्वर धाम ने खुद इसके बारे में सच्चाई बताई है। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार और पीएम मोदी के वायरल वीडियो और फोटो को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद सच्चाई बताई है। वीडियो जारी कर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागेश्वर धाम आने का वीडियो अपलोड किया गया है। ये पूरी तरह से एडिट किया गया है। इस वायरल वीडियो और फोटो में कोई सच्चाई नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि बागेश्वर धाम की तरफ से सही जानकारी केवल उसके ऑफिशियल चैनल के माध्यम से दी जाती है। ऑफिशियल चैनल पर दी जाने वाले जानकारी को ही सही माना जाए। दोस्तों अब हम जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार ने क्यों भड़क गए कुछ यूट्यूबरों के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि इन दिनों शादी जन्मदिन को लेकर भी कई तरह की बातें सोशल मीडिया में प्रचलित हो रही है जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के बारे में गलत न्यूज बनाना या छापना बहुत महंगा पड़ सकता है। बागेश्वर धाम सरकार को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। अब दोस्तों थोड़ा शादी ब्याह के बारे में बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम में चल रही है शादी की तैयारियां। बता दें कि बागेश्वर धाम में इन दिनों 121 गरीब लड़कियों के शादी की तैयारी चल रही है। बागेश्वर धाम सरकार हर साल की तरह इस साल भी अपने धाम में गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा था कि गरीब कन्याओं को शादी के समय गृहस्थी का सारा सामान दिया जाएगा। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के लिए एक लाइक तो बनता है।